नमस्कार, मैं हूं रजनी भारद्वाज और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। लगातार हम बात करते हैं आपके साथ हर एक मुद्दे को लेकर, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा अगर होती है तो वो मुद्दा है यहाँ पर ज्योति मोर्या को लेकर। दरअसल ज्योति मोर्या का मुद्दा जो अब जांच कमेटी के हाथ पहुंच चुका है और ऐसे में इस मामले की जांच पड़ताल और तेजी से होना शुरू हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह से आलोक मोर्या ने ज्योति मोर्या पर आरोप लगाए उसके बाद से अब उनकी पत्नी पर कड़ी कार्रवाई जांच टीम कर रही है। आपको बताते चले कि ज्योति मोर्या जहां जहां तैनात रही थी, कमेटी ने वहां वहां से दस्तावेज मंगवाए हैं। पति आलोक को 28 अगस्त को वो सबूत पेश करने होंगे जांच कमेटी के सामने, जिन सबूतों के आधार पर आलोक ने अपनी पत्नी ज्योति मोर्या पर गंभीर आरोप लगाए। जी हाँ, आपको बताते चले पीसीए ज्योति मोर्या पर वित्तीय अनियमितता के गंभीर आरोप लगने के बाद अब जांच कमेटी उन्हें जिस जिस जिले में तैनात किया गया था वहां से दस्तावेज मंगा रही है। पति आलोक मोर्या ने भी जांच समिति को प्रयागराज में तैनात रहने के दौरान वित्तीय अनियमितता के गंभीर आरोप लगाए थे। आलोक गुरुवार को कमेटी के सामने पेश हुए, लेकिन पत्नी पर लगाए गए आरोपों के सबूत उनको नहीं दे सके। ऐसे में अब जांच कमेटी ने उन्हें 20 दिन का वक्त दिया है। 28 अगस्त को फिर से पेश होना होगा आलोक मोर्या को जांच कमेटी के सामने, लेकिन उन सबूतों के साथ जिन सबूतों के आधार पर आलोक ने अपनी पत्नी ज्योति मोर्या पर आरोप लगाए थे। तो यह है पूरी खबर, जहां पर किस तरह से अब सिर्फ आलोक मोर्या नहीं फंसेंगे, क्योंकि आलोक मोर्या से जब सबूत मांगे गए तो वो उस वक्त घबरा गए कि भाई सबूत तो मेरे पास है नहीं, अब मैं सबूत कहां से लेकर आऊं। ऐसे में अब जांच कमेटी ने उन्हें 20 दिन का वक्त दिया, 20 दिन में आपको सबूत लेकर आना होगा और उसके बाद ही इस पर मामले पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये तो आलोक मोर्या के बात थी, बात करते हैं ज्योति मोर्या की। ज्योति मोर्या को भी अब जहां जहां जिस जिस पद पर तैनात थी उन सभी जगहों से दस्तावेज मांगे गए हैं और उन मामलों की छानबीन की जाएगी। उन दस्तावेजों को देखा जाएगा कि किस तरह की हेराफेरी या कितना रिश्वत लिया था ज्योति मोर्या ने, क्योंकि इस वक्त 33 करोड़ के घोटाले की बात हो रही है। तो 33 करोड़ का घोटाला जो अगर किया है ज्योति मोर्या ने, तो वो कहां और किस तरह से यहां पर मैनेज किया है ज्योति मोर्या ने, ये देखना अभी बाकी है। आज की इस खास रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, शुक्रिया।